तीन जादुई चोर राजू, सुमित और सोहन तीनों बहुत अच्छे मित्र थे। तीनों अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद नौकरी ढूंढने में लग जाते हैं। तीनों रोज सुबह नौकरी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन शाम को निराश होकर ही घर लौटते हैं। अरे यारो, क्या करें, नौकरी ढूंढते ढूंढते इतने दिन हो गए, कैसी भी नौकरी नहीं मिल रही। हाँ भाई, हमारी तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ बेकार चली गई, इतना पढ़ने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिल रही। सोहन भैया, आजकल पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पैसा भी होना चाहिए, पैसा देखकर ही नौकरी मिलती है। ये बात तो सही है, रिश्वत से ही सारे काम होते हैं, पैसा फेंको तमाशा देखो। समझ नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे, गांव से भी लगातार फोन आते रहते हैं, रोज पूछते हैं मिल गई नौकरी, कब कमाना शुरू करोगे। सबकी बात ऐसा सुनकर दिमाग खराब हो जाता है, कहाँ से दूं पैसे, चोरी करूं या किसी के घर में डाका डालूं। भाई अगर यही सब रहा तो हमें चोरी ही करनी पड़ेगी। हाँ सोहन भाई, तुम सही बोल रहे हो, मुझे तो लगता है हमें यही काम करना चाहिए, ईमानदारी में कुछ नहीं रखा, क्यों ना हम तीनों मिलकर चोरी करें। राजू की बातों से सोहन राजी हो जाता है, लेकिन सुमित गुस्से में आ जाता है। फिर सोहन और राजू सुमित को उसकी ऐसी ऐसी परेशानियां गिनवाते हैं कि सुमित भी चोरी के लिए राजी हो जाता है। फिर अगली ही रात को, हाँ भाइयों, तैयार हो तुम दोनों अपने अपने काम पर निकलने के लिए? हाँ हम तैयार हैं। फिर तीनों दोस्त चोरी करने के लिए एक बुढ़िया के घर में घुस जाते हैं। अरे भाइयों, लगता है इस घर में कोई नहीं है, चोरी करना आसान हो जाएगा। तभी एक बुढ़िया औरत खांसते हुए कमरे से बाहर निकलती है। ए भगवान जी, कैसी जिंदगी है, प्यास लगे तो कोई पानी पकड़ाने तक को नहीं है, चलो जैसी आपकी इच्छा। बुढ़िया ऐसा बोलकर पानी पीकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे ये अम्मा तो बहुत बूढ़ी है, बेचारी कितनी परेशान है। हाँ हाँ, हम भी देख रहे हैं, तू चुप हो जा, ज्यादा बोल मत, आवाज चली गई तो बेकार में पकड़े जाएंगे। फिर वो तीनों उस बूढ़ी औरत के सोने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो बूढ़ी औरत सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत बेचैनी हो रही है, नींद भी नहीं आने का नाम ले रही, नींद आएगी भी कैसे, जब तक ये पैसे बैंक में जमा नहीं होंगे तब तक मुझे चैन की सांस नहीं आएगी, आखिर एक यही तो है मेरे बुढ़ापे का सहारा, जिससे मैं अपना बचा कुचा वक्त गुजार सकती हूँ, वरना तो मुझ बूढ़ी औरत को कौन आकर पूछेगा। राजू भाई, ये बूढ़ी औरत तो बेचारी खुद परेशान है, अगर हमने इसके पैसे चुरा लिए तो बेचारी हमें बहुत बददुआ देगी। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, बेचारी ने अपने मुश्किल वक्त के लिए पैसे रख रखे हैं। उन दोनों की बातें सुनकर राजू का भी चोरी करने का मन बदल जाता है और तीनों किसी दूसरे घर में चोरी करने के लिए जाते हैं। वहाँ चोरी करने के लिए जैसे ही घुसते हैं, वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा हुआ था। वहीं पास में एक बूढ़ी औरत अपने जवान बेटे से बात कर रही थी कि ये सोना बेचकर कल हम तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन करवा देंगे, और रोने लगती है। तीनों दोस्त उस बूढ़ी औरत की परेशानी देखकर दुखी हो जाते हैं और वहाँ से भी बिना चोरी किए आ जाते हैं, और आकर तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक टूटी हुई मूर्ति रखी थी। भाई ये काम हमारे बस की नहीं है, हम चोरी नहीं कर सकते, चोरी करना आसान नहीं है। हाँ भाई सही बोल रहे हो, अब क्या करेंगे। करेंगे क्या, कल फिर चोरी करने चलेंगे, लेकिन कल किसी अमीर घर में चोरी करने चलेंगे जिनको हमारी चोरी से कोई फर्क न पड़े। सोहन सोच में पड़ जाता है। अब तुम किस सोच में पड़ गए? मैं सोच रहा हूँ कि काश मेरे पास ऐसी शक्ति होती जिससे मैं उन सभी रिश्वत लेने वाले और काला धन कमाने वालों को पता लगा लेता, फिर हम उसी घर में जाकर चोरी करते। हाँ, और मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाती जिससे हम गायब होकर उन रिश्वतखोरों के घर में आसानी से चोरी भी कर लेते और कोई हमें देख भी नहीं पाता। हाँ हाँ हाँ, और मुझे ऐसी शक्ति मिल जाती जिससे मैं उनकी तिजोरी का ताला तोड़कर आराम से चोरी कर सकता। और ये बोलकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी मूर्ति से आवाज आती है, तथास्तु। तीनों आवाज सुनकर डर जाते हैं और डर कर अपने रूम पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो तीनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर, अरे राजू भाई, सुमित भाई, मुझे रात को सपने में एक ऐसा घर दिखाई दिया जिसमें बहुत सारा काला धन था। अरे सोहन भाई, वो सिर्फ बातें थी, जैसा हम बचपन में सोचते थे, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। बचपन में तो हमें पता ही नहीं क्या क्या सोच लेते थे, बचपन में हमारी हुई बातें सच थोड़ी ना होती थी जो आज सच होंगी। क्या पता भाई सच हो जाए, एक बार कोशिश तो करते हैं। जो जगह सोहन भाई ने सपने में देखी है, चलो उसी घर पर आज हम चोरी करने चलेंगे।
ठीक है राजू, तुम कहते हो तो हम चलते हैं। ये बोलकर तीनों रात होते ही चोरी करने के लिए उसी जगह पर चले जाते हैं जो सोहन ने अपने सपने में देखी थी। सोहन भाई, तुम्हारा सपना तो मुझे सच लग रहा है। अरे भाई, अब हम तीनों मिलकर अंदर चलते हैं, पर उससे पहले राजू तू एक बार चेक कर ले कि तेरी शक्ति असली है या नकली। राजू अपनी शक्ति का पता लगाने के लिए उस बिल्डिंग के चौकीदार के सामने अंदर घुसने लगता है, लेकिन चौकीदार ऐसे आराम से बैठा था जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। अरे वाह, इस चौकीदार को तो मैं दिखाई ही नहीं दे रहा। राजू सोहन और सुमित का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। हाथ पकड़ते ही वो दोनों भी गायब हो जाते हैं। तीनों उस घर के अंदर घुस जाते हैं। सुमित, मेरा और सोहन का काम तो हो गया, अब तुम्हारा काम शुरू करो। जैसे ही राजू ने तिजोरी को हाथ लगाया, उसका लॉक अपने आप ही खुल गया। राजू, सोहन और सुमित सारा पैसा भरकर वहां से गायब हो गए। ये तो बहुत सारे पैसे हैं। हाँ, इतने पैसे मैंने पहली बार देखे हैं। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम इन पैसों से गरीबों की मदद करें। हाँ, तुम बोल तो ठीक रहे हो। फिर वो तीनों जब भी कोई रिश्वत लेता है, उसके घर रात को जाकर उन पैसों की चोरी करते हैं और उन पैसों से गरीबों की मदद करने लगते हैं। फिर एक दिन, सोहन भाई, आज रात कोई ऐसा अमीर पैसे वाला घर का सपना देखना जिससे उस बच्ची के दिल का ऑपरेशन हो सके। उस छोटी बच्ची के ऑपरेशन में बहुत पैसा चाहिए, तुम्हें पता है ना? हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है। जो मेरी शक्ति मुझे दिखाएगी वही तो सपना देखूंगा। अब तक हमने जितनी भी चोरी की है उससे कहीं ज्यादा बड़ी चोरी करनी पड़ेगी हमें। उन तीनों दोस्तों की बात एक पुलिस वाला सुन लेता है और चोरी की बात सुनकर तीनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले जाकर बंद कर देता है। हाँ, अब बताओ ये क्या चोरी की बातें चल रही हैं? और तुम सपना देखकर चोरी करते हो, ये सब क्या माजरा है? पुलिस वाला ऐसा बोलते हुए डंडा दिखाने लगता है तो तीनों डर जाते हैं और तीनों अपनी जादुई शक्तियों के बारे में पुलिस को बता देते हैं और साथ ही गरीबों की मदद वाली बात भी बता देते हैं। अच्छा, तुम चोरी करके गरीबों की मदद करते हो? अगर ये बात गलत निकली तो तुम तीनों को अच्छे से रिमांड पर लूंगा। और पूछताछ करने लगता है। पूछताछ के बाद उसे चोरों की बातों पर विश्वास हो जाता है। मैंने तुम्हारे बारे में पूछताछ की, तुम सच बोल रहे हो। तुम एक अच्छे तीन जादुई चोर हो जो दूसरों की मदद करने के लिए चोरी करते हो। तुम चोरी करने के साथ साथ एक अच्छा काम भी कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और तीनों जादुई चोर फिर से गरीबों की मदद करने में लग जाते हैं।